नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। स्मार्टफोन से लेकर ये सभी 50 चीजें हो जाएंगी महंगी, अगर बजट में हुआ ये फैसला। जी हां, भारत अब विदेशों से आयात किए जाने वाले करीब 50 वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने जा रहा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स एंड हैंडक्राफ्ट जैसे आइटम शामिल है। इंडस्ट्री के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चीन व अन्य देशों से $56 अरब कीमत की वस्तुओं के आयात पर सरकार इस शुल्क को लगा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके बारे में बजट 2020 में 1 फरवरी को ऐलान कर सकती हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। उच्च कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद मोबाइल फोन चार्जर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, लैंप्स, वुडन फर्नीचर, कैंडल, ज्वेलरी और हैंडक्राफ्ट महंगे हो सकते हैं। इस मामले से संबंध रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए चार्जर, वाइब्रेटर मोटर्स और रिंगर्स जैसे पार्ट्स को आयात करना महंगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार चोरी की लेट जानकारी पर खारिज नहीं हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम। जी हां, अगर कार चोरी होने की सूचना देने में किसी वजह से देरी हो जाती है तो इस आधार पर बीमा कंपनी क्लेम को खारिज नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में फैसला सुनाते हुए ये बातें कही हैं। कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर मामले की पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है तो वाहन को खोजने की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर की भूमिका सीमित होती है, इसलिए मामले में अगर पुलिस को सूचना दे दी जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में देरी भी होती है तो कंपनी इसे आधार बनाकर क्लेम को देने से मना नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गाड़ी चोरी होने की जानकारी देने में अगर देरी हो जाने को आधार बनाकर बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है तो यह काफी अधिक तकनीकी पहलू हो जाएगा। शर्त बस यह है कि पुलिस को इस बारे में समय से सूचित कर दिया गया हो। देखने में आया है कि कई बार किसी वजह से वाहन चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में देरी हो जाती है। IRCTC ने जारी किया अलर्ट, टिकट बुक करते वक्त न करें ये गलती, नहीं तो लग सकती है लाखों की चपत। जी हां, अगर आप ट्रेन से सफर करने के लिए IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपने यूजर्स को फ्रॉड करने वालों से सावधान किया है। IRCTC की ओर से जारी बयान के मुताबिक कई जालसाज IRCTC की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर फ्रॉड कर रहे हैं। IRCTC का कहना है कि वेबसाइट IRCTCTour.com पूरी तरह से फर्जी है। ये वेबसाइट टूर पैकेज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। ये लोग फर्जी वाउचर के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी पूरी तरह से फर्जी हैं। IRCTC ने साफ तौर पर कहा है कि वेबसाइट IRCTCTourism.com से हमारा कोई लेना देना नहीं है और वहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर IRCTC जिम्मेदार नहीं होगा। आपको बता दें कि बीते हफ्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने ट्रेन टिकट की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए झारखंड के रहने वाले गुलाम मुस्तफा को ओडिशा से गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.8% हो सकता है। जी हां, चालू वित्त वर्ष 2019-20 में देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 3.8% तक पहुंच सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार आगामी बजट में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का 3.5% का लक्ष्य तय कर सकती है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम बजट आधार स्तर पर आयकर कटौती, लघु और मझौले उपक्रमों और आवास के लिए ब्याज सहायता के जरिए उपभोग मांग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। आपको बता दें कि आसान भाषा में अगर समझें तो सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। जब सरकार अपनी कुल कमाई से अधिक खर्च करती है तो उसे बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। वहीं सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर के बीच को राजस्व घाटा कहा जाता है। इससे सरकार के मौजूदा खर्च और आमदनी का पता चलता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, टैक्स ऐसे लेना चाहिए जिस तरह मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना रस लेती है। जी हां, इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण यानी ITAT के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि ITAT ने ही देश में ट्रिब्यूनल व्यवस्था की नींव रखी, जिसने आज देश के न्यायपालिका पर बोझ को काफी हद तक कम किया है। लेकिन इसके साथ ही ट्रिब्यूनल और देश की न्यायालयों में लंबित हजारों केसों को लेकर चीफ जस्टिस ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पेंडिंग केस के जल्द निपटारे के लिए कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर टैक्स का अत्यधिक बोझ डालना सामाजिक अन्याय होगा। टैक्स ऐसे लेना चाहिए जिस तरह मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उसका रस लेती है। टैक्स देने वालों को यथाशीघ्र समस्या का समाधान मिलना चाहिए, ताकि वह अनावश्यक विवाद में नहीं फंसता रहे। नेटफ्लिक्स Amazon देख सकते हैं कश्मीरी, पर नहीं देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। 2G स्पीड पर 300 वेबसाइट्स देखने का मिला सरकारी फरमान। जी हां, कश्मीर के लोगों को इंटरनेट को लेकर थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। 5 महीने के बैन के बाद सरकार ने कुछ वेबसाइट्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कश्मीर के प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स 2G स्पीड के साथ इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने 300 वेबसाइट्स को व्हाइट लिस्टेड किया है, इन वेबसाइट्स को ही यूजर्स देख सकते हैं। रात को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सोशल मीडिया वेबसाइट मसलन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर रोक बरकरार है। सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट पर भी रोक बरकरार है, जबकि कुछ वेबसाइट्स को लेकर ढील दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल वही लोग कर पाएंगे जिनके पास वैध सिम कार्ड है और जिनका सिम कार्ड वेरीफाइड है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 21 शहरों में सबसे गंदा पानी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं केजरीवाल। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। शनिवार को BJP के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने JNU स्टेडियम में जीत की गूंज कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज आपका जो उत्साह है वो बताता है कि 2014 में भी आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, 2019 में भी थे और अब 20 में भी मोदी जी के आप साथ है। दिल्ली के लिए समर्पित भाव से काम करने पर आपका ये जज्बा देखकर मुझे यकीन है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि आज मैं आप सभी को बताने आया हूं कि दिल्ली की जनता को किस प्रकार से केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं। मैं कुछ भी बोलता हूं तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं और आजकल वो दिल्ली की जनता का नाम कम लेते हैं और मेरा नाम ज्यादा लेते हैं। केजरीवाल ने वादा किया था कि घरों में पाइपलाइन से शुद्ध पानी देंगे, लेकिन BIS के सर्वे से स्पष्ट है कि किस शहरों में सबसे गंदा पानी दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। दिल्ली का जल बोर्ड फायदा कर रहा था, आज उसे घाटे में पहुँचा दिया है। अरविंद केजरीवाल बोले, संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, यही करेगा रक्षा। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान को बचाए रखना हम सभी 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है। जब जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजरेगा तब तक यह संविधान ही हमारी रक्षा करेगा। वह शनिवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है, यह संविधान देश की रक्षा करेगा। उन्होंने भारत को फिर से महान बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। 4 बार विधायक रहे हरशरण सिंह बल्ली BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, सिख वोट BJP का खिसक सकता है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले BJP को झटका लगा है। दिल्ली के बड़े नेता हरशरण सिंह ने BJP से नाता तोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सिख समुदाय के बीच बल्ली की अच्छी पैठ मानी जाती है, उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने से BJP का सिख वोट खिसक सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बल्ली खेमा बदल चुके हैं। साल 2013 में BJP से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, हालांकि जल्द ही उन्होंने BJP में वापसी भी कर ली थी। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बल्ली ने कहा कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि केजरीवाल को चुनाव में सफलता मिले। उन्होंने कहा कि मैं इनकी विकास, ईमानदारी और काम के आधार पर वोट मांगने की राजनीति का हिस्सा बनने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कई लोग मेरी विधानसभा से आए हैं और वो भी लोग यहां ज्वाइन करेंगे।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कई जगहों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों में भी घना कोहरा देखने को मिलेगा। देश के बाकी हिस्सों में शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहेगी। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश सुनिए कि आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।